आशुतोष राणा ने ओशो के बारे में क्या कहा? क्या सच्चाई बताई ओशो की आशुतोष राणा ने? आशुतोष राणा जो कि एक फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं और इन दिनों वो चर्चा में रहते हैं अपनी शायरी की वजह से, अपनी फिलॉसफी की वजह से, कविताओं की वजह से। तो आशुतोष राणा क्या बताते हैं ओशो के बारे में? आशुतोष राणा बताते हैं कि ओशो जो है वो एक व्यक्ति नहीं, वो एक बल्कि एक विचार है। ओशो का जो जीवन है वो एक व्यक्ति से विचार की तरफ जाते जाते, क्योंकि व्यक्ति जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, वो नहीं रह पाता, लेकिन विचार हमेशा रहता है। और वो विचार जो ओशो ने दिए हैं, ओशो एक अपने आप में एक ऐसे विचार बन गए हैं, एक ऐसे विचार बन गए हैं जिसने सच में लोगों का भला किया है। आशुतोष राणा बताते हैं कि ओशो जो है वो क्लास के लिए भी हैं, मासिस के लिए भी हैं, क्लासेस के लिए भी हैं। यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लासेस के हैं तो ओशो उनके लिए भी हैं, अगर आप मासिस में आते हैं ओशो उनके लिए भी हैं। ओशो ने जो है वो ऐसी बातें भी कही हैं जो मुझे पसंद आएगी, ओशो ने ऐसी बातें भी कही हैं वो जो आप लोग जो सुन रहे हैं आपको भी पसंद आएगी। हो सकता है ओशो ने कुछ ऐसी बातें कह दी हो जो मुझे पसंद नहीं है लेकिन आपको पसंद है, मुझे पसंद है लेकिन आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो ओशो ने, क्योंकि हर एक चीज़ों के बारे में बात की है, हर चीज़ के बारे में बहुत साहसी तरीके से बोला है, बहुत खुलकर बोला है, तो ये बताते हैं आशुतोष राणा। और सच में एक देखा जाए तो एक तरह से इंस्पिरेशन मानते हैं वो आशुतोष राणा ओशो को, क्योंकि जहाँ पर ओशो पैदा हुए वहीं से आशुतोष राणा भी हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।